खांडवी जो कि गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी है, डिश भी कह सकते हैं, लेकिन इसको घर पर बनाने में काफ़ी तरीके की दिक्कतें और परेशानी आती है और जिसकी वजह से ये अच्छे से नहीं बन पाती है। इसमें कैसा बेसन लेना चाहिए, कितना घोल पकाना चाहिए और किस तरीके से हमें इसको बनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाऊँगी, जिससे जब जब आप खांडवी बनाएंगे आपकी भी खांडवी बाजार को फेल करने वाली बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। इस कप से मैंने 1 कप बेसन लिया, आप देख सकते हैं ये बेसन बिल्कुल बारीक वाला है, ज़्यादा मोटा वाला मत लीजिएगा, बिल्कुल बारीक वाला बेसन लीजिएगा। और इसको हम इस तरीके से बोल में यहाँ पर निकाल लेंगे। और इसके साथ मैंने 1 कप दही लिया है, दही थोड़ा खट्टा लीजिएगा, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये घर का दही है, 1 कप लिया है। जितना हम बेसन लेंगे उतने ही दही लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल मैं एक परफेक्ट बैलेंस बता रही हूँ खांडवी बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 चम्मच नमक यूज किया है और 1/4 स्पून मैंने हल्दी यूज की है। साथ में मैंने यहाँ पर 1/4 स्पून यहाँ पर हींग लिया है और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच पूरा 2 हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट मिलाकर बिल्कुल अच्छे से उसको मैंने मैश कर लिया था, उसके बाद उसको यहाँ पर मिलाया है। इन सबको हम अच्छे से विस्कर की सहायता से या आप चम्मच की या स्पैचुला, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उससे, इससे हमें अच्छे से फेंटना है। और इसको तब तक फेंटना है जब तक ये बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर, इसमें से एक सफ़ेदपन शाइन करता हुआ दिखाई ना दे। तो देखिए इसको फेंटते फेंटते मुझे 3 से 4 मिनट हो गए। अब देखिए इसका रंग खुद ही बदल गया है और ये देखने में बहुत क्रीमी टेक्स्चर में आ गई है। देखिए मैं आपको दिखा रही, रंग देखिए कितना सफ़ेद हो गया। अब इसमें हम यहाँ पर जितना बेसन था उसका दुगुना पानी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया है, इस तरीके से 2 कप पानी मैंने ले लिया। अब इसको हम अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स हमें अच्छे से करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत आराम से इसी प्रोसेस को हम जब करते हैं तभी हमारी खांडवी बहुत अच्छी बनती है। तो इन सबको डालने के बाद हमने अच्छे से फेंट लिया है इस तरीके से, और इसको फेंटते फेंटते मुझे 2 से 3 मिनट हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से यहाँ पर छानेंगे। छानने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने पैन लिया है, इसमें मैंने नॉन स्टिक का यूज़ किया, आप कोई भी पैन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं स्ट्रेनर की हेल्प से इस तरीके से पूरे को छान लिया है और साथ में दिखा रही हूँ किस तरीके से। देखिए बेसन के छोटे मोटे डले और मिर्च और जो अदरक का था उसके रेशे यहाँ पर बचे हुए हैं। तो इस तरीके से ये अब बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। पकने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको पकाते वक्त बिल्कुल स्लो गैस कर देना है, गैस बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखिएगा, क्योंकि बेसन अपने आप में एक ऐसा है कि जब भी हम इसको पकाते हैं तो बहुत जल्दी लम्स इसमें बनते हैं। तो इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएं और इसको बिल्कुल भी चलाना ना छोड़ें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे हमें चलाते रहना है, 1 मिनट के लिए भी इसको छोड़ना नहीं है। इस तरीके से हाथ से घुमाते रहिएगा, जहाँ आपने हाथ से हटाना यदि छोड़ दिया वहीं पर इसमें क्या लम्स बनने लगते हैं, डले दिखने लगते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से हमें फेंटना है इस तरीके से, देखिए क्रीमी टेक्सचर बन रहा है और ये 7 से 8 मिनट में पूरी बनकर तैयार हो जाएगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी कहते हैं ना स्टिकी बनता है और क्रीमी टेक्सचर में आता है। तो देखिए कितनी जल्दी ये बेसन यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आने लगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से हमें इसको पकाना है। यदि आपने फ़िश करी बनाई होगी बेसन की, जो कहते हैं वेज में नॉन वेज की तरह लगती है, बेसन की सब्जी बनती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो ये उसी की तरीके से बनती है। बस इसमें हम क्या करते हैं, प्लेट में बहुत अच्छे से इसको फैला देते हैं और उसमें हम बर्फ़ी के पीसेस मोटे मोटे काट लेते हैं ठंडा होने पे, बस यही अंतर है। यदि आप उसको जानते होंगे तो उसी तरीके से आप इसको भी आराम से बना पाएंगे। तो देखिए एक बार मैंने प्लेट पे लगा के दिखाया और ये अभी अच्छे से परत बनकर नहीं निकल रही, तो मैं इसको और पका रही हूँ और सब कुछ मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर रही हूँ और इसको बिल्कुल भी चलाना नहीं छोड़ रही हूँ। तो इस तरीके से यदि आप बनाएंगे ना इसमें, तो आपकी भी खांडवी हमेशा अच्छी बनेगी। आपने यदि बेसन वाली सब्जी बनाई है तो आप परफेक्टली इसको बना पाएंगे। तो अब देखिए सेकंड टाइम फिर मैं इसको लगा के देख रही हूँ प्लेट पे, और लगाने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और ठंडा होने पे जब मैं इसे छुड़ाऊँगी तो पता चल जाएगा, यदि छूट रही है आराम से लेयर बनकर तो इसका मतलब ये रेडी है। तो आप देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसका टेक्स्चर ही बता रहा है कि क्रीमी है और बहुत अच्छे से रेडी हो गई। और इसे हमें तुरंत पलटना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, प्लेटें पहले से लगा के रखिएगा। अब देखिए मैंने 1 कलछी यहाँ
पर बेसन डाला और इसको गर्मा गर्म इस तरीके से मैं यहाँ इस स्पैचुला की हेल्प से इसको फैला रही हूँ। और इसको हमें फैलाना है उस तरीके से, बिल्कुल इसको प्लेन कर देना है और बिल्कुल पतला कर देना है, बिल्कुल पतला, इसमें बिल्कुल भी मोटा ना रहे इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे करने के बाद हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 5 प्लेटों में ऊपर फैलाया। आप ये ध्यान रखिएगा कि सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, जितना प्लेन होगा उतना अच्छा बनेगा। यदि आप चाहें तो इसे किचन की टाइल्स पे भी कर सकते हैं, आराम से ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें सब फैलाना। जब मैं इसको कर रही थी ना तो मुझे सीमेंट वाले की याद आ गई, जैसे सीमेंट वाले सीमेंट करते हैं ना और वो अपनी खुरपी में जो पीछे लगा होता है चिकना करने के लिए उसको हटाते जाते हैं, सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ पर कर रही थी। बेसन को फैलाती जा रही थी और जो भी स्पैचुला के पीछे बेसन लग जा रहा था उसे मैं पैन में पोंछती जा रही। तो यदि इस तरीके से आप करेंगे तो आपके भी ये जो है बहुत अच्छे से चिकने चिकने बिल्कुल प्लेन पतले बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारों को यहाँ पर, देखिए मेरा स्पैचुला बार बार बर्तन में जा रहा है जिससे वहाँ पे मैं पोंछ ले रही हूँ, जो भी पीछे लगा है उससे मैं इसको यहाँ पर चिकना कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 5 प्लेटों में बहुत अच्छे से सबको बना लिया और इसे 6-7 घंटे की 6-7 मिनट के लिए हम यहाँ पर छोड़ देंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा जितने गर्म में हम कर लेंगे उतने अच्छे ये बनेंगे, और जैसे ही ठंडा होगा ना तो इसमें डले बनने लग जाएंगे और ये चिकने चिकने नहीं फैल पाएंगे। तो इसे गर्मा गर्म बहुत तेज़ी से हमें यहाँ पर फैलाना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए सारे मैंने यहाँ पर फैला दिए हैं इस तरीके से। अब इनको हम 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप देखिए इनका टेक्सचर ही बताएगा कि ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं कि इनको हम पीसेस में छोटे छोटे काट लें। तो आप देखिए, अब मैं इसको काटने का तरीका आपको यहाँ पर बताती हूँ। इनको 6-7 मिनट हो गए, बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो नाइफ़ की सहायता से ये जो कॉर्नर वाली साइड होती है उसको हम हटा देंगे क्योंकि बराबर नहीं है। इस तरीके से मैं दोनों साइड की हटा दूँगी और इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से कितना लंबा इसको खांडवी को चाहते उस हिसाब से आप इसको यहाँ पर काट सकते हैं। तो देखिए मैं इस हिसाब से यहाँ पर कट लगा रही हूँ और ऐसे ही आपको सारी प्लेटों में कट लगाना है। आप प्लेट की जगह चाहें तो ट्रे ले लीजिए, ट्रे और अच्छी रहती है क्योंकि वो चकोर रहती है और लंबी रहती है, तो उसमें और अच्छी शेप में ये आ जाएंगे। आप देखिए इस तरीके से, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एक नीचे से हमें हाथ से ऐसे निकालना है। देखिए कितनी चिकनी चिकनी और बिल्कुल पतली लेयर ये निकल रही है। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करते जाना है और दबाते हुए फोल्ड करना है जिससे ये लूज़ ना हो बीच वाला हिस्सा। तो ऐसे हम दबाते हुए इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए कितने आराम से कितने सही तरीके से बिल्कुल यहाँ पर ये खांडवी बन के निकल रही है। इस तरीके से ही हमें सारी खांडवी को यहाँ पर निकालना है। बिल्कुल देखिए कितना अच्छा परफेक्ट, बिल्कुल कहते हैं ना यहाँ पर खांडवी ये बनकर रेडी हुई। इस तरीके से ही मैं आपको एक और खांडवी यहाँ पर निकाल कर दिखाऊंगी। इसको मैं यहाँ प्लेट में रख देती हूँ। अब चलिए हम एक और खांडवी इसी तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन देखिए नीचे थोड़ा सा बराबर नहीं है तो मैं उस हिस्से को यहाँ से ऐसे काट कर साइड में रख दूँगी और फिर मैं इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करूँगी इस तरीके से। देखिए फोल्ड हो रही है, ऐसे ही हमें फोल्ड करते जाना है सारे को और बहुत आराम से। और आप कोशिश करिएगा कि सारे साइज आपके इक्वल ही हो, कोई छोटे बड़े ना हो, क्योंकि ये देखने में तभी अच्छी लगती है जब सारे साइज इक्वल हों। चाहें तो आप इसे फीलिंग वाली भी बना सकते हैं, अंदर कोकोनट डाल के चीज़ें, तो लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने कोकोनट वाली नहीं बनाई है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी ये अच्छी सुंदर बनी है। इस तरीके से मैं यहाँ पर सारी खांडवी को निकाल लूँगी और इसे निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आपके 10 मिनट में सारी खांडवी निकल जाएंगी। तो आप देखिए मैं दूसरी प्लेट की भी निकाल ली और इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी खांडवी को निकाल लिया है। इसे आप चाहे तो हरी चटनी, मीठी चटनी किसी के भी साथ खाएंगे, बहुत अच्छी लगेंगी। आइए अब इसके लिए एक छौंका यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। छौंका के बिना ये अधूरी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने 2 चम्मच लिया है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच मस्टर्ड सीड्स ऐड किया और 1/2 चम्मच यहाँ पर सफ़ेद तिल ऐड किया। जब ये अच्छे से भून गए हैं तब यहाँ पर थोड़े से कड़ी पत्ता, बिल्कुल ताजे थे, उनको ऐड कर दिया। और करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से भून गया तब मैंने एक हरी मिर्च ऐड की। हरी मिर्च ज़्यादा नहीं की क्योंकि बच्चों को भी खानी थी। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर करने के बाद देखिए मैं छौके को इसके ऊपर
डाल दिया है, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ता है। और थोड़ा सा कच्चा गोला था घर में, उसको ग्रेट करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। तो इस तरीके से खांडवी हमारे यहाँ बनकर तैयार होती है। आप भी बनाइएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जब भी मन करे इस परफेक्ट बैलेंस के साथ बनाइएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जितना बेसन उतनी दही, और जितना बेसन है उसका दुगना पानी लेंगे और अच्छे से फेंटेंगे तो परफेक्ट खांडवी क्यों नहीं बनेगी, ज़रूर बनेगी। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से, और वीडियो यदि अच्छा लगे और ट्राई करने के बाद आपको लगे कि ये सही में बहुत यूजफुल वीडियो है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलूंगी फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।